आरक्षण तो हम सबका है और हमारा अधिकार भी है। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है इस आरक्षण को, रिजर्वेशन को हमारे तक पहुंचाने के लिए, तो ये हमारा फर्ज है आप उसे बचाने का। तो आप जो है घर से सड़कों पर उतर आई है? बिल्कुल जी। अब जब आरक्षण हम ले रहे हैं तो हम ही उतरेंगे, कौन उतरेगा? लेकिन आरक्षण की अगर बात की जाए तो आरक्षण अलग कम्युनिटी भी दूसरी मांग रही है कि हमें भी मिलना चाहिए। तो देखिए, उन्हें मिलो, व्यवस्था के हिसाब से उन्हें मिलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा जो छीना जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, वो तो हमें मिलना चाहिए। हम कल इंटरव्यू कर रहे थे गुज्जर कम्युनिटी में, वो कह रहे थे कि जो है अगर आदमी के पास क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको जो है नौकरी मिलनी चाहिए, आरक्षण का बीच में आने का क्या मतलब? देखिए, ये हिसाब अगर कानून को ये सही लगता है तो करके देख ले, लेकिन सही मायने में तो यह है कि जब तक जाति प्रथा रहेगी, या फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो बंटवारा हुआ था वो बंटवारा सही से नहीं हुआ, बंटवारा को दोबारा से बराबरी में कर दो तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण तो इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि हमें दबाया जाता है हर जगह, जाति के नाम पर शोषण होता है, पानी नहीं पिया जाता है, पानी पीने पर इंद्र मेघवाल है, अभी भाई ने बताया इंद्र मेघवाल है, उनको मार दिया गया पानी पीने पर। अभी जाति के नाम पे इतना शोषण हो रहा है कि महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जाता है, हर जगह पूछा जाता है कि कौन सी कास्ट है, वो चमार कास्ट बताते ही तुरंत के तुरंत वहां पर क्या हो जाता है कि भाई दूर खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। तो आरक्षण हमारा अधिकार, हम क्यों ना मांगे? चंद्रशेखर आजाद सांसद बन चुके हैं, क्या वो भी संसद भवन से रोड पर आएंगे? अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे नेता ऐसे हैं, उनके लिए रोड भी ऐसी है, संसद भी ऐसी है, जहां उनके हक अधिकार का हनन होगा वे सड़कों पर भी उतरने पे पीछे नहीं रहेंगे। ये जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने पूरे साक्ष्य नहीं पेश किए हैं, इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार पैरवाइज SC ST कम्युनिटी की करती तो ये सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं आता इस तरीके का। सरकार वहां पूरे साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है, ये सारी विफलता का जो श्रेय जाता है वो सरकार पे जाता है, केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार SC की पूरी पैरवाई नहीं कर पाई है वहां पर, और ये प्रतिनिधित्व का मामला है, ये रिजर्वेशन की बात नहीं है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मामला बहुत संगीन है, इस सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझी तो ये दलित समाज सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करने पर मजबूर होगा, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। ये 24 से पहले अगर फैसला आ गया होता तो ये सरकार इस देश में नहीं रहती। मैं ये आह्वान करता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार साक्ष्य नहीं सही से पेश कर पाती है, या दूसरा तरीका इसका यह है अगर वो विधेयक ला करके इसको यथावत स्थिति में नहीं लाती है तो दलित समाज सड़कों पर आने पर मजबूर होगा और ये आंदोलन पूरे देश में जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे हक अधिकारों की मजबूती से पैरवाई नहीं होगी। इसके बाद हमारी ये सुनवाई नहीं हुई तो अगला आंदोलन दिल्ली के लिए सभी लोग तैयार हैं साथियों। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई, अगर ये वापस ना हुआ तो सभी लोग, बहुजन समाज के लोग 11 सितंबर और दिल्ली को बंद करने का काम करना है। हेलो, ये यहाँ से हेलो दोस्तों, मैं उशीदार बद्री, आप देख रहे हैं NDUP। जैसे ही BSP ने 21 तारीख को जो है भारत बंद का ऐलान किया था, उसके बाद फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी भीम आर्मी को जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर एक तरीके से ऐलान जारी कर दिया था कि इसका समर्थन करें। आरक्षण के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर लेकर लगातार SC CST कम्युनिटी लगातार जो है आज भारत बंद पर एक्टिव हो चुकी है और हर जिला स्तर पर, हर प्रदेश स्तर पर ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। हमारे साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और अलग अलग बड़े पद पर जो उपस्थिति है इनकी, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे पहले मुलाकात भी हुई थी आपसे, कैसा रहा आज का भारत बंद का ये? देखिए, जो भारत बंद का हम लोगों ने आह्वान किया था उसका बढ़िया प्रतिक्रिया हम लोगों के पास आ रही है और इसका बहुत बढ़िया संदेश भारत की संसद में और भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंचने वाला है।
जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की रणनीति अपना रखी है, उस तरीके से जो भारत के जितने भी एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी के साथ तो पहले ही हो चुका है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, तो उन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन नहीं किया था उसका खामियाजा अब एससी एसटी के लोग भरने वाले हैं। और ये जो जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की बात हो रही है, अभी मैं रिसेंटली आपको एक जानकारी दे देता हूँ, नैनीताल बैंक के पीओ का, शायद आप लोगों को जानकारी भी हो, नैनीताल बैंक के पीओ का जो आपका फार्म की सबमिशन की जो फीस है उसमें पहले एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं थी, लेकिन आप गूगल से सर्च करो और उसमें देखो कि नैनीताल का जो बैंक पीओ का था उसमें एससी एसटी के लिए भी वही फीस रखी है जो जनरल समाज के लिए है। अभी आपके लिए आरक्षण को वे डैट तो आपसे आपका आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये जो सरकारी संस्थाएं थी सबको उन्होंने प्राइवेट के रूप में रूपांतरित कर दिया, जिससे कि आप आरक्षण की बात छोड़ ही दो। और आज भी हमारे समाज में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ उठा के आरक्षण के माध्यम से ही सरकारी पदों पर पहुंचे, लेकिन वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं उन लोगों से भी ये विनती करूंगा कि वे जिस आरक्षण के माध्यम से सरकार के पद पर पहुंचे हैं उस आरक्षण का लाभ वंचित वर्गों को भी दिया जाए, और इसलिए वे भी हम लोगों का साथ बढ़ चढ़ के दें। अच्छा, क्या लग रहा है भीम आर्मी को क्यों बाद में इस स्टैंड को लेना पड़ा? पहले जो है इसका जो है थोड़ा खामोशी चुप्पी साध रखी, इसका वजह, इसकी वजह क्या? देखिए, आप लोगों के पास जानकारी देर से पहुंची है, तो आप लोगों ने ये मीडिया माध्यम बना दिया कि चंद्रशेखर भाई ने, विनय रतन जी ने ये बाद में उठाया है। इसके ऊपर बाकायदा चर्चाएं बड़ी आराम से ली थी। हाँ, ये जरूर है कि भाई की व्यस्तता के कारण, चंद्रशेखर जो अध्यक्ष जी हैं हमारे, चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी व्यस्तता काफी रही थी, तो जिस वजह से उन्होंने ये आपके हमारे बीच में ये संदेश नहीं पहुंचा पाए, तो इस वजह से आप लोगों को ये भ्रांति हो गई कि भाई ये संदेश तो बाद में, स्टैंड तो बाद में उठाया चंद्रशेखर आजाद जी ने, जबकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था। हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों के पास जो जानकारी पहुंची है वो विलंब से पहुंची है, नहीं तो स्टैंड तो भाई का पहले ही दिन क्लियर हो गया था कि हम भी इसमें सावधान रहेंगे और हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सरकार कह रही है कि विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष जो है हमारी एससी एसटी कम्युनिटी को भटकाना चाह रहा है और देश को बांटना चाह रहा है, सरकार का ये आरोप विपक्ष पर लग रहा है। अगर मैं सरकार से कहूं कि जो बांग्लादेश का मुद्दा भारत में उठा है, क्या इसका इलेक्टोरल बोर्ड से संबंध नहीं था? जो भारत बांग्लादेश की बात कर रहा है कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ है, हम भी मानते हैं कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की चर्चा है तो वहां की सरकार भी कर ले। आप हमारे हिंदुस्तान के बहन बेटों के लिए क्या कर रहे हो? अभी बांग्लादेश में हुआ है, पश्चिम बंगाल में लड़की के साथ देखा, डॉक्टर जो थी उनके साथ क्या हुआ, महिला सुरक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? और सरकार विपक्ष से, जो विपक्ष होती है वो सरकार से ही तो सवाल करेगी। आप हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे बात करो, जो ये कहते हैं कि विपक्ष उठा रही है। अब बहुजन समाज कोई अनपढ़ नहीं रहा है, बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के लिए हर समय तत्पर है। वो जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये उसी एकजुटता को प्रदर्शित कर रही है, जिस वजह से ये सरकार बैकफुट पे जाएगी और 100% इसे बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और सरकार को ये आदेश, सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश अपना वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज अब जाग चुका है और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना बढ़िया से जानता है। भीम आर्मी के एक युवा ने जिस तरीके से सहारनपुर के एक जो है थाने में एक भाषा का प्रयोग किया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ताला लगा देंगे, अब उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, बहुत सी बार क्या होता है, आदमी अपने भावनाओं को वो संतुलित नहीं कर पाता, और इस वजह से ही चंद्रशेखर आजाद जी और विनय रतन जी का खास आदेश है, और ये बता गया है बाकायदा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्ता जोश में अपने होश न खो दे, और हमें जो हम अभी आप इकट्ठे हुए हैं हम लोग, वह बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हुए हैं, और संविधान में ही हमें शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि वो अभी बच्चे हैं और उन्हें थोड़ा सा अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, और अभी उनके पास पूरा भविष्य है, तो अगर उनके ऊपर केस होता है तो हम इसके लिए उसकी उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि उस भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो संविधान के दायरे में रह के ही हमें अपनी आवाज उठानी है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से बीएसपी और जो है भीम आर्मी को बांटने की इस तरीके की एक हवा चल रही थी मीडिया पर, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसपी अलग अपने रास्ते पर जा रही है या भीम आर्मी अलग रास्ते पर जा रही है? नहीं, देखो, ये व्यक्ति के, हर व्यक्ति का एक ही बिंदु पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, और हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारे दोनों का रास्ता अलग है। हाँ, ठीक है, मतभेद होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी कन्फर्म है कि जब जब आंदोलन, जैसे तो भारत की आज़ादी में क्रांतिकारी भी रहे थे, भारत की आज़ादी में गांधीवादी भी रहे थे, भारत की आजादी में कम्युनिस्ट भी रहे थे, लेकिन सबका टारगेट क्या था? भारत को आजाद दिलाना। रास्ते अलग अलग हैं, हमारा एक ही मोटो है और वो है
कि बहुजन समाज के लोगों का हक अधिकार यहाँ पर स्थापित हो। जी आप जिला अध्यक्ष पद पर है, किस तरीके की तैयारी थी आज के मामले में? जैसा कि सभी साथियों को सूचित है, हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंबे संघर्षों के बाद भारतीय संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था मिली, जिसमें अनुच्छेद 340 की धारा 16(4), 15(4) में हमें रिजर्वेशन की व्यवस्था मिली, और जिस आधार पर SC ST OBC और माइनॉरिटी यहां तक पहुंचा, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए 1 अगस्त 2024 को डिसीजन का उस तरीके से वो नहीं करूंगा। हम यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत हैं, तो उसमें हमारी जो मांग है उस पर पुनर्विचार हो। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल हम आपसे लेते हैं। आरक्षण की बात अगर कर ली जाती है, तो आरक्षण पर जिस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी कह रही है, अब प्रजापति समाज अपने आरक्षण की बात कर रहा है और गुज्जर अपनी अलग आरक्षण की बात कर रहा है, तो इस तरीके से आप मानते हैं कि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? देखो, जो समाज का कोई भी वर्ग हो, जिसे समाज की मुख्यधारा से अलग रखा गया है, उसके हक अधिकार से वंचित रखा गया है, उसे आरक्षण मिलना ही चाहिए। आरक्षण के माध्यम बहुत से व्यक्ति गलत उठा लेते हैं कि आरक्षण को ये बाबा साहब ने तो ये कर दिया था, तो बहुत गलत भ्रांति बजाते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार का ही तो दायित्व होगा ना कि किसी भी पॉलिसी को लागू करना। जब सरकार, जितनी भी सरकार अब तक रही है 2024 तक, एक भी सरकार ऐसी नहीं रही जिन्होंने अपने अच्छे मन से उस आरक्षण को लागू किया हो, नहीं तो हमारा समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होता। ये समाज की मुख्यधारा में जुड़ता और इनके बच्चे भी उन्हीं कॉलेजों में पढ़ते जिन कॉलेजों में अमीर आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। अभी आप एक चीज नोटिस करो कि सरकारी स्कूल के पाठ्यक्रम को देखो आप, वो प्राइवेट स्कूल के पाठ्यक्रम को देखो, इन दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं। इसकी आवाज चंद्रशेखर भाई ने संसद में उठा चुके हैं, उन्होंने सीधा बोला है कि पाठ्यक्रम की समानता हो। अब एक ही टॉपिक को अगर दोनों लोग पढ़ेंगे तो दोनों फाइट बराबर करेंगे। अब सरकारी स्कूल में आप देखो, पढ़ाई से ज्यादा तो उनके खाने पर समय बीतता है, बच्चे पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं, देखते हैं कि टीचर लोग ही कहते हैं कि भैया तुम्हारे लिए दाल चावल बने हैं, ये कड़ी चावल बने हुए हैं। तो उनकी पढ़ाई का अगर लेवल, अगर उनका सिलेबस एक हो, बहुत से बोल भी देते हैं कि भाई रिजर्वेशन मिला है तो रिजर्वेशन के माध्यम से तुम्हें नौकरी मिल रही है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर पाठ्यक्रम एक हो जाए तो फिर अमीर आदमी भी वही पढ़ेगा, गरीब आदमी भी पढ़ेगा। और हम लोगों में इतनी कुव्वत है, हम लोगों में इतनी कर्मठता है कि हम मेहनत से पीछे ना पहले हटे थे ना ही आगे हटेंगे, लेकिन सरकार को हमारे साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। सरकार तो कह रही है हम SC ST कम्युनिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये इनको बेकार फुसलाया जा रहा है। अगर सरकार वास्तव में SC ST का इतना ध्यान रखती तो जितना भी इंद्र मेघवाल, ये तो आपके पास है पूरी जानकारी है, क्या हुआ था उस 13 साल के लड़के का? अगर सरकार नियम पारित कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो सरकार के आदेश की उल्लंघन कर दे या उसकी अवहेलना कर दे। सरकार ही थोड़ी नरम पड़ी हुई है, नहीं तो सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ कठोर कानून जब बन जाएगा तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप लेडीज है लेकिन आज के भारत बंद में कैसा हिस्सा ले रही? आरक्षण तो हम सबका है और हमारा अधिकार भी है। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है इस आरक्षण को, रिजर्वेशन को हमारे तक पहुंचाने के लिए, तो ये हमारा फर्ज है आप उसे बचाने का। तो मैं, आप जो है घर से सड़कों पर उतर आई है? बिल्कुल जी। अब जब आरक्षण हम ले रहे हैं तो हम ही उतरेंगे, कौन उतरेगा? लेकिन आरक्षण की अगर बात की जाए तो आरक्षण अलग कम्युनिटी भी दूसरी मांग रही है कि हमें भी मिलना चाहिए। तो देखिए, उन्हें मिलो, व्यवस्था के हिसाब से उन्हें मिलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा जो छीना जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, वो तो हमें मिलना चाहिए। हम कल इंटरव्यू कर रहे थे गुज्जर कम्युनिटी में, वो कह रहे थे कि जो है अगर आदमी के पास क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको जो है नौकरी मिलनी चाहिए, आरक्षण का बीच में आने का क्या मतलब? देखिए, ये हिसाब अगर कानून को ये सही लगता है तो करके देख ले, लेकिन सही मायने में तो यह है कि जब तक जाति प्रथा रहेगी, या फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो बंटवारा हुआ था वो बंटवारा सही से नहीं हुआ, बंटवारा को दोबारा से बराबरी में कर दो तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण तो इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि हमें दबाया जाता है हर जगह, जाति के नाम पर शोषण होता है, पानी नहीं पिया जाता है, पानी पीने पर इंद्र मेघवाल है, अभी भाई ने बताया इंद्र मेघवाल है, उनको मार दिया गया पानी पीने पर। अभी जाति के नाम पे इतना शोषण हो रहा है कि महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जाता है, हर जगह पूछा जाता है कि कौन सी कास्ट है, वो चमार कास्ट बताते ही तुरंत के तुरंत वहां पर क्या हो जाता है कि भाई दूर खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। तो आरक्षण हमारा अधिकार, हम क्यों ना मांगे? चंद्रशेखर आजाद सांसद बन चुके हैं,
क्या वो भी संसद भवन से रोड पर आएंगे? अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे नेता ऐसे हैं, उनके लिए रोड भी ऐसी है, संसद भी ऐसी है, जहां उनके हक अधिकार का हनन होगा वे सड़कों पर भी उतरने पे पीछे नहीं रहेंगे। ये जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने पूरे साक्ष्य नहीं पेश किए हैं, इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार पैरवाइज एससी एसटी कम्युनिटी की करती तो ये सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं आता इस तरीके का। सरकार वहां पूरे साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है, ये सारी विफलता का जो श्रेय जाता है वो सरकार पे जाता है, केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार एससी की पूरी पैरवाई नहीं कर पाई है वहां पर, और ये प्रतिनिधित्व का मामला है, ये रिजर्वेशन की बात नहीं है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मामला बहुत संगीन है, इस सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझी तो ये दलित समाज सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करने पर मजबूर होगा, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। ये 24 से पहले अगर फैसला आ गया होता तो ये सरकार इस देश में नहीं रहती। मैं ये आह्वान करता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार साक्ष्य नहीं सही से पेश कर पाती है, या दूसरा तरीका इसका यह है, अगर वो विधेयक ला करके इसको यथावत स्थिति में नहीं लाती है तो दलित समाज सड़कों पर आने पर मजबूर होगा और ये आंदोलन पूरे देश में जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे हक अधिकारों की मजबूती से पैरवाई नहीं होगी, और हम ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। थैंक यू। ये थे आज हम शामली में मौजूद थे, और चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी, बीएसपी की प्रमुख मायावती जी, अब तमाम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने कार्यकर्ताओं को आज भारत बंद पर अवगत कराया था। एनडीयूपी को जरूर सब्सक्राइब करें।